हाय नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जग्गा ब्लॉग में। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बहुत ही शानदार मकान। आज हम पहुंचे हैं अनुज कुमार के मकान पे। दोस्तों बहुत ही एडवांस किसान है, गांव के अंदर शानदार तरीके से खेती करते हैं। तो मैं आपको दिखाऊँगा पूरा कवरेज करके इनका मकान। तो दोस्तों देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत मकान इन्होंने बनाया है। ये इसका फ्रंट गेट है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं आपको पूरा कवरेज करके दिखाऊंगा दोस्तों। हाँ हाँ, तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार मकान। वाह, तो दोस्तों पूरी जानकारी लेंगे और बात करेंगे जो मकान के ओनर है उनसे बातें करेंगे। ये मकान का आउटसाइड एरिया, ये इनसाइड एरिया है। तो जी बातें करते हैं, किसान परिवार है, गांव के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेती करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो सर जी थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम अनुज चपराना है। तो जी अनुज कुमार जी ये बताएं, ये जो आपने बहुत ही खूबसूरत मकान बनाया है, ये लगभग कब बनाया था और इसके अंदर कितने कमरे हैं? ये मकान 2009 में बना था। अच्छा, और इसके अंदर 9 कमरे हैं। 9 कमरे, वेरी गुड। लेकिन देखने में ऐसा लग रहा कि अभी 2-4 महीने पहले ही आपने इसे अभी रिपेयर कराया। अच्छा, रिपेयर कराया। अरे वाह वाह भाई वाह। तो जी आप मुझे इसका जो है जो मतलब एज ए बैठक वो दिखाइए। चलो जी दोस्तों देखते हैं, ये यहाँ से हम बैठक की तरफ चलते हैं। ये देखिए लाइट जला दीजिए। वाह भाई वाह, बहुत ही खूबसूरत। वेल मेंटेन, और जी कलर कलेक्शन भी एकदम सुपर। वन साइड वॉल स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं। अरे वाह भाई वाह। अच्छा, ये जो फोटो हैं ये हमारे दादाजी हैं। अच्छा, दादाजी जी हैं। हाँ, ये हमारे पापा हैं, मम्मी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह। ये माता जी, दादी दादा। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो जी ये कितने भाई कितने का जी कमरा अनुज कुमार जी? ये 11 बाई 11। अच्छा, 11 बाई 11। चलो जी अब दूसरे कमरे को देखते हैं आपका। दोस्तों यहाँ से एग्जिट करते हुए चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। बहुत ही बढ़िया दोस्तों देखते हैं, ये जस्ट बराबर में आप देखते हैं ये गैलरी जिन्ना है इनका, मतलब ये है इनका बरामदा। और यहाँ से आप देखते हैं ये देखिए, ये मकान का इनसाइड एरिया बहुत ही शानदार। गुज्जर परिवार गांव के अंदर राशि ठाट बाट के साथ रहता है। तो मैं आपको एक कमरा और दिखाऊंगा इनका। ये देखिए, ये है इनके लैट्रिन बाथरूम और जस्ट बराबर में ये देखिए देख सकते हैं। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। चलो जी बहुत ही खूबसूरत, कलर कलेक्शन भी एकदम सुपर है। वाओ, तो अनिश कुमार जी जमीन कितनी है आपके पास? जमीन है जी 120 बीघे आसपास। अच्छा, तो खेती खुद करते हैं या नौकर वगैरह? नौकर भी रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया। तो तुम्हारे ये कृषि यंत्र वगैरह उस तरफ घेर में? चलो वो भी देखेंगे। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ से एग्जिट होते हुए ये देखिए बरामदा। कितने कमरे बताए इसके अंदर पूरे? नौ कमरे। नौ ऊपर है ये देखिए, ये है
ऊपर की तरफ जिन्ना जाता है। वाह भाई वाह, दिखाएंगे। ये रसोई है, ये दोस्तों रसोई हो गई। और जी ये बरामदा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। वाह, अच्छा ये एक्सरसाइज के लिए है, एक्सरसाइज के लिए मतलब मशीन लगा रखी है। एक कमरा ये रहा, एक जस्ट बराबर में वो दोस्तों देखते हैं। एक रूम ये है, बहुत ही बढ़िया। लाइट जला दो। हाँ वाह भाई वाह, सुपर। ये तो काफ़ी बड़ा ना ये, कितने भाई कितने का जी? 17 बाई 12 का। वाह बहुत ही बढ़िया। गांव के अंदर वो सभी फैसिलिटीज़ जो लोग शहरों में ढूंढते हैं, वो सभी सुविधाएं गांव के अंदर हैं। चलो जी यहाँ से एग्ज़िट करते हुए जस्ट बराबर में एक कमरा हो रहा है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ये देखिए, वाह भाई वाह, शौकीन किसान है, शौक से रहते हैं। अच्छा जी एक कमरा ये देखिए, वेरी गुड। ये भी इतना बड़ा ना जी? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। सुपर, सीन भी बहुत बढ़िया। अच्छा एक कुतुब मीनार है, ये बच्चों का वो था एक्टिविटी बच्चों की। अच्छा अच्छा अच्छा, स्कूल में? स्कूल में। चलो मैं अभी दिखाता हूँ नज़दीक से। ये देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार बनाए रखे है। वाह, वेल एजुकेटेड फैमिली है दोस्तों, सभी पढ़ा लिखा परिवार है। और यहाँ से हम चलते हैं बाहर की तरफ और आपको दिखाते हैं बाह्य एरिया। लगभग इसी प्रकार के 9-10 कमरे हैं इसके अंदर। और ये देखिए, वाओ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक कमरा जो सामने ये है। और जी ये देखते हैं, ये मकान का इनसाइड एरिया। वाह, अच्छा वो है, ये व्यू देखो कितना बढ़िया। वाह भाई वाह, तो ये दोस्तों देखते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा अब अपसाइड एरिया मकान का। और जस्ट बराबर में एक कमरा ये है। इसी प्रकार काफ़ी मतलब 9-10 कमरे इस पूरे मकान के अंदर हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से मैं सही ले ली मैंने, यही है, ये लीजिए। ये मकान का जो है अपसाइड एरिया, यहाँ से ऊपर तक। अच्छा यहाँ से ऊपर तक चलते हुए ये देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। वाह, यहाँ से हम ये थर्ड फ्लोर के लिए। और जी ये देख सकते हैं, जी आ गए हम ऊपर। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ये देख सकते हैं दोस्तों,
बहुत ही खूबसूरत। ये है, ये मकान का डाउन साइड एरिया। यहाँ से चलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इनके पशु वगैरह और कृषि संबंधी यंत्र। ये देखिए, वाह, तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा इनका घेर, पशु वगैरह और ट्रैक्टर कृषि संबंधी यंत्र, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखते हैं, ये ट्रैक्टर है इनके पास, मैं कौन सा आयसर पुराना है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और इस तरफ ये इनके पशु वगैरह बंधे हुए हैं, गाय भैंस। ये देखिए दोस्तों, तो जी ये देखते हैं, ये केवल जो बरांडा इन्होंने बनाया है, ये पशुओं के लिए और कृषि संबंधी यंत्र रखने के, रख रखाव के लिए। ये देखते हैं, स्टार्ट करके दिखाओ जी ट्रैक्टर। अरे वाह, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। तो महिंद्रा 575 DIXP है, ये DIXP+। क्या मॉडल है जी इसका? 2021। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये जस्ट बराबर में आप देखते हैं, ये है इनकी कुट्टी मशीन, ये ट्रैक्टर, ये है इंजन इनका। अच्छा, ये लगा रखा ऑल्टरनेटर, ये लाइट वगैरह ना आए तो इससे फिट। वेरी गुड दोस्तों। तो दोस्तों ये है इनका अनुसर का है ये घेर। वेरी गुड, यहाँ से एंट्री करते हुए वेलकम। तो जी ये कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये? 1988 में बना। अरे वाह, 1988। वेरी गुड, लेकिन रख रखाव के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। ये देखते हैं पूरा, हाँ चलो कमरा देखते हैं पहले। ये देखिए दोस्तों, ये है इनका बहुत बड़ा दुकड़िया, मेरे ख्याल से 20x20 का जी, 17x18। अरे वाह भाई, देखो ये हैं गुजरों के ठाठ, हुक्का भी रखा है साइड में, लेकिन पीने वाले आजकल है नहीं यहाँ। वाह, बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट, सुपर मैनेजमेंट है जी। और जी यहाँ से बाहर तरफ चलते हुए, वाह, यहाँ से एग्जिट होते हुए मैं आपको दिखाता हूँ और भी बरामदा है, और उस तरफ लैट्रिन बाथरूम वगैरह। सामने इनकी, वाह, अच्छा ऊपर एक कमरा है। ये सामने इनकी दो गाड़ियां हैं, ये कृषि संबंधी यंत्र हैं इनके, एक जोतने का है। वाह भाई वाह, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। तो दो गाड़ी है ना जी। एक ये अगली बार मैं यंत्रों का भी दिखाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।